बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दांगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। या बता, या आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहाँ कांग्रेस उनके साथ और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर अपने बलबूते पर जीते गए तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में एक दो सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई, उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा।